हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत खास स्ट्रक्चर जहां अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं जब हैपेंड के साथ कोई इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो उसका क्या सेंस होता है? जब सीम्ड के साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो इस तरह के सेंटेंसेस का क्या सेंस होता है, यानी आप इसका क्या मतलब समझते हैं? जब अपीयर्ड के साथ कोई इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो इसका क्या सेंस होता है? या फिर चांस्ड के साथ जब कोई इन्फिनिटिव आता है तो आप उसका क्या मतलब समझते हैं? फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि जब हैपेंड, सीम्ड, अपीयर्ड या चांस्ड के साथ कोई इन्फिनिटिव आता है यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो इसका एक डिफरेंट मीनिंग होता है जिसे हमें बारीकी से समझना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे कहना पसंद करूंगा कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो आप बेहिचक मुझसे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखें, मैं आपके डाउट्स पर वीडियो बनाऊंगा। फ्रेंड्स, जब हैपेंड, सीम्ड, अपीयर्ड और चांस्ड के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो यहाँ वर्ब और इन्फिनिटिव दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ हैपन टू सी का मतलब होता है शा, यानी ये हैपन सेकेंड फॉर्म में है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसीलिए मैंने सी का सेकेंड फॉर्म सा लिखा। बाय द वे, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता तो हम सा नहीं बल्कि सी का यूज करते। जैसे अगर लिखा होता दे हैपन टू सी मी तो इसका यहां सेंस होता सी। उसी तरीके से फ्रेंड्स, सीम्ड टू कॉल मींस कॉल्ड, यानी कॉल्ड। अपीयर टू फॉरगेट मींस फॉरगॉट, यानी फॉरगेट का आप सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। अगर ये फर्स्ट फॉर्म में है तो फिर आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। चांस टू मीट तो इन दोनों का सेंस हुआ मेट। तो आइए फ्रेंड्स, इसे एक सेंटेंस में समझते हैं। लिखा है दे हैपन टू सी मी, तो आप इसे इजी वे में समझ सकते हैं दे सी मी, यानी वे मुझे देखते हैं। हैपन टू सी यानी सी। लिखा है He seemed to call me, तो आप इसे समझेंगे He called me, यानी उसने मुझे फोन किया। मैंने यहाँ called क्यों लिखा? क्योंकि ये second form में है। अगर आपका verb second form में है तो फिर जो आप यहाँ verb लिखेंगे वो भी second form में रहेगा। He appeared to forget me, इसे easy तरीके से आप समझ सकते हैं He forgot me, चूंकि ये second form में है इसलिए मैंने फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट लिखा, वह मुझे भूल गया। ही चांस टू मीट मी तो आप लिखेंगे ही मेट मी। आप यहां मीट का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि यह आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यानी सेकेंड फॉर्म में है। तो फ्रेंड्स, ये चार वर्ब स्पेशली आप याद रखेंगे कि जब हैपेंड के साथ कोई इंफिनिटिव आता है या सीम या सिम्ड के साथ कोई इन्फिनेटिव आता है, अपीयर या अपीयर्ड के साथ कोई इन्फिनेटिव आता है, चांस या चांस्ड के साथ कोई इन्फिनेटिव आता है, तो ये वर्ब प्लस इन्फिनेटिव दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस में जो हमारा वर्ब होता है उसका कोई भी सेंस नहीं होता और जो हमारा इन्फिनेटिव होता है वह वर्ब के रूप में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम कहते हैं ही सीम्ड टू कॉल मी, मतलब ही कॉल्ड मी, उसने मुझे फोन किया। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो दे हैपन्ड टू कम हियर तो फिर आप इस सेंटेंस से क्या समझेंगे? आप समझेंगे दे केम हियर। यहां हैपन्ड टू कम के लिए आप लिखेंगे केम, जिसका मतलब हुआ वे यहां आए। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो सी अपीयर टू स्लिप देयर तो आप समझेंगे शी स्लिप्ड देयर।
फ्रेंड्स अगर लिखा हो यू सीम टू रन आउट तो आप समझेंगे यू रन आउट, आप रन आउट हो गए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि यह कंसेप्ट अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि जब हैपन्ड, सीम्ड, अपीयर्ड या चांस के साथ इन्फिनिटिव आता है तो ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ही चांस्ड टू ड्रॉप हिज पेन। फ्रेंड्स इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है ही ड्रॉप्ड हिज पेन, यानी उसने अपना कलम कहीं छोड़ दिया या कहीं गिरा दिया। ही अपीयर टू एडवाइज मी, इसका मीनिंग है ही एडवाइज्ड मी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप ये बात समझ चुके होंगे कि जब हैपेंड प्लस इन्फिनेटिव, अपीयर्ड प्लस इन्फिनेटिव, चांस्ड प्लस इन्फिनेटिव या सिम्ड के साथ जब इन्फिनेटिव का यूज होता है तो ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। और इस केस में अपीयर्ड, हैपेंड, सिम्ड और चांस्ड का कोई मीनिंग नहीं होता। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि इस तरह के सेंटेंसेस जहां हैपन के साथ इन्फिनेटिव, सिम के साथ इन्फिनेटिव, अपीयर के साथ इन्फिनेटिव या चांस के साथ इन्फिनेटिव आएगा तो आप बड़े आसानी से उसका मीनिंग समझ पाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए लेसन में, तब तक के लिए बाय। हाय गाइस दिस इज तौकीर आलम, हियर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न गो ऑन प्लस आईजी फॉर्म, कीप ऑन प्लस आईजी फॉर्म एंड कंटिन्यू टू प्लस वर्ब। फ्रेंड्स मैंने एक लेसन पढ़ाया था ही इज ऑलवेज, जहां मैंने कहा था कि अगर आपको ये कहना हो कि कोई काम लगातार चलता रहता है तो आप उसको ही इज ऑलवेज से कहें। जैसा कि मैंने सिखाया था मैं पढ़ाता रहता हूं, इसका ट्रांसलेशन मैंने बताया आई एम ऑलवेज टीचिंग या आप खेलते रहते हैं यू आर ऑलवेज प्लेइंग, आप नाचते रहते हैं यू आर ऑलवेज डांसिंग। लेकिन कमेंट बॉक्स में कई साहब ने कहा कि इसे और कितने तरीके से ट्रांसलेट किया जा सकता है, तो चलिए देखें कि इसे कैसे ट्रांसलेट करना है। अगर आपको कहना है मैं पढ़ाता रहता हूं तो आप इसे आई एम ऑलवेज प्लस आई जी फॉर्म से बोल सकते हैं, जैसे आई एम ऑलवेज टीचिंग, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। लेकिन आप इस तरह के सेंटेंसेस को गो ऑन प्लस आई एन जी फॉर्म, कीप ऑन प्लस आई एन जी फॉर्म और कंटिन्यू टू लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के मदद से ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए आपको करके दिखाते हैं। मैं पढ़ाता रहता हूं आई गो ऑन टीचिंग, आई कीप ऑन टीचिंग। अगर आप इसको कंटिन्यू टू से ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन इसके बाद आने वाला वर्ब में आई एन जी नहीं लगेगा बल्कि हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे टीच। मैं पढ़ाता रहता हूं आई गो ऑन टीचिंग, आई कीप ऑन टीचिंग, आई कंटिन्यू टू टीच। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपको बात समझ में आए। वे काम करते रहते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे, दे गो ऑन वर्किंग या आप कहिए दे कीप ऑन वर्किंग। लेकिन अगर आप कंटिन्यू से बोलना चाहते हैं बिल्कुल बोलिए दे कंटिन्यू टू वर्क, यानी गो ऑन के बाद आईजी फॉर्म, कीप ऑन के बाद आईजी फॉर्म लेकिन कंटिन्यू टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको कहना हो बहस करता रहता है आप कहेंगे ही गोज ऑन। आप सोचेंगे गोज क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस में जब हमारा पर्सन थर्ड पर्सन का सिमिलर नंबर रहता है तो वर्ब में एस या यस लगता है। मैंने इस बात को पार्ट टू में बड़े डिटेल से बताया, अगर आप कंफ्यूज हैं तो पार्ट टू जरूर देखिएगा। वह बहस करता रहता है ही गोज ऑन डिस्कसिंग। आप ये भी कह सकते हैं ही कीप्स ऑन डिस्कसिंग, आप ये भी कह सकते हैं ही कंटिन्यूज टू डिस्कस। अगर आपको कहना हो वे लोग झगड़ा करते रहते हैं आप कह सकते हैं दे कीप ऑन क्वारलिंग, और आप ये भी कह सकते हैं दे कंटिन्यू टू क्वारल। मैं लिखता रहता हूं आई कीप ऑन राइटिंग, आई कंटिन्यू टू राइट। आप सीखते रहते हैं यू गो ऑन लर्निंग या यू कीप ऑन लर्निंग या यू कंटिन्यू
टू लर्न। बाय गॉड अगर ये नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो तो आप ऐसे ट्रांसलेट करिए। अगर लिखा हो वे काम नहीं करते रहते हैं तो आप सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट बोले। और बाय गॉड अगर क्या से शुरुआत हो तो आप सबसे पहले डू या डज लिखेंगे। जैसे अगर लिखा हो क्या वे काम करते रहते हैं तो आप कहेंगे डू दे गो ऑन वॉकिंग, या आप कह सकते हैं डू दे कीप ऑन वॉकिंग, या फिर आप कह सकते हैं डू दे कंटिन्यू टू वर्क। आइए कुछ एग्जांपल पास्ट टेंस में भी देखते हैं। वह रोती रही, गुजरा हुआ बात है, पास्ट की बात है। बाय गॉड अगर आपके सेंटेंसेस पास्ट में रहे, जैसे वह रोती रही, वह खाती रही, मैं देखता रहा, मैं पढ़ाता रहा, तो आप गो की जगह पर वेंट, कीप की जगह पर कैप्ट और कंटिन्यू की जगह पर कंटिन्यूड, यानी इन तीनों का सेकेंड फॉर्म बोला जाएगा। वह रोती रही, सी वेंट ऑन वीपिंग, सी कैप्ट ऑन वीपिंग, सी कंटिन्यूड टू वीप, यानी गो की जगह पर वेंट, कीप की जगह पर कैप्ट और कंटिन्यू की जगह पर कंटिन्यूड बोलेंगे। बाय गॉड अगर नेगेटिव हो तो आप डिड नॉट के साथ गो का यूज करें, और बाय गॉड ये इंटरोगेटिव हो यानी क्या से शुरू हो तो सबसे पहले आप लिखेंगे डिड और वेंट हो जाएगा गो। अगर कहना हो मैं देखता रहा तो आप कहेंगे आई वेंट ऑन लुकिंग, या आई केप्ट ऑन लुकिंग, या आई कंटिन्यूड टू लुक। लेकिन अगर इसका नकारात्मक बोलना हो तो आप कहेंगे आई डिड नॉट गो ऑन लुकिंग, या आई डिड नॉट कीप ऑन लुकिंग, या आई डिड नॉट कंटिन्यू टू लुक। अगर आपके सेंटेंसेस की शुरुआत क्या से हो तो ऐसे बोलिए क्या मैं देखता रहा, डिड आई गो ऑन लुकिंग, या डिड आई कीप ऑन लुकिंग, या डिड आई कंटिन्यू टू लुक। अगर आपको कहना हो वे नाचते रहे तो आप कहेंगे दे वेंट ऑन डांसिंग, या दे केप्ट ऑन डांसिंग, या दे कंटिन्यूड टू डांस। अगर आपको कहना हो वे लड़ते रहे तो आप कहेंगे दे वेंट ऑन फाइटिंग, या दे केप्ट ऑन फाइटिंग, या दे कंटिन्यूड टू फाइट। आइए कुछ एग्जांपल प्रेजेंट में भी देखते हैं। मैं मुस्कुराता रहता हूँ, आई गो ऑन स्माइलिंग, या आई कीप ऑन स्माइलिंग, या आई कंटिन्यू टू स्माइल। क्या आप पढ़ते रहते हैं, डू यू कीप ऑन रीडिंग, डू यू गो ऑन रीडिंग, या डू यू कीप ऑन रीडिंग, या डू यू कंटिन्यू टू रीड। अगर आपको कहना हो वह खाता रहता है, ही गोज ऑन ईटिंग, या ही कीप्स ऑन ईटिंग, या ही कंटिन्यूज टू ईट। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का कंसेप्ट गो ऑन या वेंट ऑन, कीप ऑन या केप्ट ऑन, और कंटिन्यू टू या कंटिन्यू टू आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।